फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स। तो कई पेरेंट्स ने मुझे बोला था कि ये वाला जो है वो क्लियर नहीं आ रहा, इसलिए ये वाली वीडियो हम दोबारा बना रहे हैं। सो नंबर दीज आर द ऑप्शंस, वी हैव टू फिल देम, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शंस। डैश इज कॉल्ड द मास्टर ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का मास्टर ऑर्गन कौन सा है? ब्रेन। यहां पे आपने लिखना है ब्रेन। नेक्स्ट, डैश कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी तक कौन ब्लड लेकर जाता है? आर्टरीज। तो यहां पे आपने आर्टरीज लिख देना। स्पेलिंग्स भी आप याद करो, ARTERIES, आर्टरीज। डैश स्वेल अप व्हेन एयर फ्लोज इनटू देम। जब एयर इनमें जाती है तो स्वेल हो जाता है। कौन स्वेल हो जाता है? हार्ट। हार्ट स्वेल्स अप, ठीक है ना, हार्ट। लीवर प्रोड्यूसेस ए येलोइश फ्लूइड कॉल्ड। लीवर येलो कलर का क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल। बाइल प्रोड्यूस करता है, बाइल, ठीक है। डैश आर नॉर्मली रेडिश ब्राउन इन कलर। रेडिश ब्राउन क्या होती है? किडनीज। किडनीज जो है वो रेडिश ब्राउन होती है। तो यहां पे आपने किडनीज लिख देते। तो ऐसे आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ठीक है। अब उसके बाद है, आगे देखो, राइट ट्रू और फॉल्स। टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स। लंग्स आर बीन शेप्ड इंटरनल ऑर्गन। लंग्स क्या बीन शेप्ड होते हैं? नहीं, किडनीज बीन शेप्ड होती है। तो इसको आपने फॉल्स लिख देना है, एफ लिख देना है। लगे बताओ, जहां एफ लिखना है या टी लिखना है? तो इसको आपने एफ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद देखो, स्टमक मेक्स जेलिश फ्लूड कोल्ड बाइल। स्टमक बाइल बनाता है, ये भी गलत है। मैंने अभी ऊपर आपको बताकर हटा हूं यहां पे कि लीवर जो है वो बाइल बनाता है, स्टमक नहीं बाइल बनाता, ठीक है। स्टमक तो होलो बैग होता है, ये बाइल नहीं बनाता, लीवर बाइल बनाता है। हार्ट इज कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी एक्टिविटी। हार्ट कंट्रोल सेंटर है? नहीं, ये भी गलत है। ब्रेन कंट्रोल सेंटर है बॉडी एक्टिविटीज का, ब्रेन, ठीक है। ब्रेन वेज अबाउट 1.4 kg, ये ट्रू है। ब्रेन का वजन 1.4 kg ही होता है। यहां पे आपने ट्रू लिख देना है, टी, ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, आर बॉडी कैन परफॉर्म ओनली वन फंक्शन एट ए टाइम। हमारी बॉडी एक ही फंक्शन कर सकती है? नहीं, हमारी बॉडी तो एक टाइम पे कितने ही फंक्शन कर सकती है। अब जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ, साथ में हाथ भी ऐसे ऐसे हिला रहा हूँ, साथ में देख भी रहा हूँ, सुन भी रहा हूँ। सो आवर बॉडी इज परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मीन्स एट ए टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज देखो, मैच द फॉलोइंग। मैच हमने करनी है, कॉलम ए और कॉलम बी को हमने मैच करना है, ये देखो, ठीक है। तो सबसे पहले आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पे नंबर लिखो, जैसे ब्रेन, ब्रेन के आगे क्या आएगा? मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो यहां पे आपने नंबर 1 लिख देना, यहां पे, ठीक है जी, ऐसे नंबर 1 लिख देना इसके आगे, नंबर 1। फिर हार्ट, हार्ट क्या होता है? हार्ट मस्कुलर पंप, ठीक है। तो इसके आगे नंबर 2 लिख दो, मस्कुलर पंप है, यहां पे नंबर 2 लिख दो आप, सॉरी 2 लिखकर चाहे उसको अंडरलाइन भी कर दो। फिर लंग्स, लंग्स आपको पहले बताया लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, तो लंग लार्जेस्ट ऑर्गन, सॉरी 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 लंग रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सॉरी रेस्पिरेटरी, लार्जेस्ट ऑर्गन तो लीवर है ना। देखो यही प्रॉब्लम है कि लंग्स भी एल से शुरू होता है, लीवर भी, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी एल से शुरू होने वाले की। लंग्स जो है सांस लेने में मदद करते हैं,
तो जैसे मेरी बात सुनिए, आजकल कोरोना है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है जिसको, उसके लंग्स थोड़े से खराब हो जाते हैं, ठीक है। लंग्स के कारण निमोनिया की बीमारी भी हो जाती है बेटे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, उसके बाद स्टमक, स्टमक होलो बैग है, होलो बैग, ठीक है, ऐसे अपनी याद रखना है। उसके बाद किडनीज, किडनीज जो है बीन शेप्ड हैं, ये मैंने ऊपर आपको बताया था कि जब हमने ऊपर किए थे क्वेश्चन कि किडनी जो है वो बीन शेप्ड होती है, यहाँ पे आपने 5 लिख देना है। और लीवर जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये आपने याद ही रखना है, लीवर लार्जेस्ट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी का। तो अगर आपको ये कोई पूछ ले विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, तो आपने बोलना है लीवर, यहाँ पे 6 लिख दो, ठीक है। अब कई बच्चे ऐसे करते हैं जैसे ब्रेन है, ब्रेन का आंसर ये है ना, यहाँ से ऐसे लाइन लगा देते हैं, हार्ट जो है उसका ये है ना, तो ऐसे लाइन लगा देते हैं। तो लाइन लगाने से अच्छा सा नहीं लगता, आप ऐसे नंबर डाल दिया करो आगे, तो इट लुक्स बेटर, इट लुक्स प्रेजेंटेबल, सो यू हैव टू मेक योर वर्क वेरी प्रेजेंटेबल। लास्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी थ्री इंटरनल ऑर्गन, कोई इंटरनल ऑर्गन 3 बता दो, आप यहीं से बोल दो, लीवर, किडनी, स्टमक, लंग, हार्ट, कोई 3 लिख दो आप, ओके।